बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमली जात और एक नई वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से IMDB जैसी वेबसाइट बनाकर पैसे कमा सकते हैं। तो आज हम बिल्कुल सेम ऐसी ही रिव्यू साइट बनाने जा रहे हैं मूवीज़ की, जिससे आप स्टार्ट करके सेम इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। आप इस तरह की वेबसाइट्स बनाकर फाइवर के ऊपर भी सेल कर सकते हैं, और इसके अलावा बनाकर आप आगे अपनी वेबसाइट बनाकर उसे रीसेल भी कर सकते हैं। तो यह आप पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए होगी PHP की, जो कि लारावेल के अंदर बनी हुई है। तो ये स्क्रिप्ट आप मुझसे ले सकते हैं, तो ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। इसके अंदर आपको एक सोर्स कोड का फोल्डर मिलेगा और एक वेबसाइट का फोल्डर मिलेगा। आपने सिंपल वेबसाइट का फोल्डर यूज़ करना है। सबसे पहले आपने अपने सी पैनल के अंदर चले जाना है, और सी पैनल के अंदर जाने के बाद इसको तो सी पैनल के अंदर चले गए, और सी पैनल के अंदर जाने के बाद आपने सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं MySQL डेटाबेस विज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी दे देता हूँ और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर यूज़र नेम मांग रहा है, तो यहाँ पर आप कोई भी दे सकते हैं, और यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर पासवर्ड। तो यहाँ पर हम पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। तो हम इस पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, और इसे यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इसे क्रिएट यूज़र करके छोड़ देता हूँ। यहाँ पर ऑल प्रिविलेज करके इसको मेक चेंजिंग, और ये बन गया है। अब इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये आगे हमें काम आएगा। एक चीज़ देख लीजिएगा, यूज़र नेम और डेटाबेस आपके सेम है या डिफरेंट है। डिफरेंट हो तो फिर आपको डिफरेंट दोनों को कॉपी करके रखना पड़ेगा, ना तो एक ही दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। तो ये हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे रिटर्न करते हैं और फाइल मैनेजर के अंदर जाते हैं। फाइल मैनेजर के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर आना है, और यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट नज़र आएगी। यहाँ पर हो सकता है कि आपके कोई फाइल नज़र आए, लेकिन आपने सारी चीज़ें डिलीट कर देनी है। ये डेमो वाला फोल्डर इस तरह मैं रहने दूंगा, क्योंकि ये मेरी इसमें एक दूसरी वेबसाइट है जो कि मैं डेमो के तौर पर यूज़ करता हूँ। सिंपल आपने वो जो फाइल है वो अपलोड कर देनी है, जिप फाइल, और यहाँ पे मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। तो ये 50 MB की है, तो तकरीबन ये थोड़ा टाइम लगाएगी अपलोड होने में। मेरे पास जैस का वायरलेस चल रहा है, तो इसलिए ये स्पीड अच्छी आ रही है। तो हो सकता है कि आपके पास थोड़ा स्लो नेट हो या PTCL का हो, तो उसकी अपलोडिंग स्पीड जो है वो लिमिटेड होती है। ओके, तो जैसे ही ये अपलोड होके फिनिश हो गया है, कंप्लीटेड लिख कर आ गया है, तो यहाँ पर हम बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद इसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये एक्सट्रैक्ट कर दिया है। सिंपल आप की जो वेबसाइट है, यानी कि जो वेबसाइट का URL है, आप उसे ओपन करेंगे। मेरा है muzammilijaz.net।
तो मैंने इसे ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ पर आप कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर आपके सारे जो हैं ये टिक होने चाहिए। अगर कोई आपका क्रॉस है तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं या जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है उससे हेल्प ले सकते हैं। तो सिंपल आप कंटिन्यू कर दें, तो ये भी सारे टिक होने चाहिए, तो इसे कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो होस्ट है वो लोकल होस्ट ही ज़्यादा यूज़ होता है, और डाटाबेस नेम हमने कॉपी किया था, जो डाटाबेस बनाई थी उसका नाम कॉपी डाटाबेस नेम, और पासवर्ड मांग रहा है तो हम यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं, और यूज़र नेम क्या था, यूज़र नेम भी सेम ही हमारा था जो कि हमने क्रिएट किया था, तो हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर आप एडमिन यूज़र नेम रख सकते हैं, तो मैं रख देता हूँ एडमिन, और कौन और पासवर्ड दे देता हूँ तो इसे कंटिन्यू कर देते हैं, तो इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो है वेबसाइट बन गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ इंस्टॉलेशन स्टिल जो आपको शो हो रहे हैं, तो आप क्या काम करेंगे, ये वाली डायरेक्टरी डिलीट कर देंगे। अगर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये दोबारा शो होता है सेम यूआरएल के ऊपर, तो आप ये वाले इंस्टॉल अंडरस्कोर फाइल वाले जो डायरेक्टरी है वो डिलीट कर देंगे। तो हम इसके एडमिन पैनल के अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हम ईमेल देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने ईमेल दी है और यहाँ पर जो है हमारा एडमिन पैनल आ चुका है। यहाँ पर हम अपीयरेंस में जाके सेटिंग चेंज कर सकते हैं इसकी, जो कि इसका होम पेज है, इसका फ्रंट पेज है, उसके अंदर जो एडिटिंग है वो हम कर सकते हैं। जर्नल हो गई, यानी कि लोगो चेंज करना, या इस तरह करके कोई चीज़ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ इसकी SEO सेटिंग हो गई, ये भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन सिस्टम रख सकते हैं कि लोग आपके प्लान को बाय करें और उसे पैसे कमा सकते हैं, और इसके अलावा पेमेंट गेटवे भी इसके अंदर लगा सकते हैं, तो वीडियोज़ इसके अंदर रख सकते हैं और टाइटल्स, तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं कोई भी मूवी। तो हम चेक करते हैं एक डालकर कि किस तरह से ये शो होती है। तो टेस्ट के लिए मैं जाता हूँ IMDB पर, कोई ले लेते हैं, ये आ गई, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। टाइटल आ गया, मूवी आ गया, और पोस्टर जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पोस्टर पोस्टर में इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कर सकते हैं। टैगलाइन हम ले लेते हैं कोई, यही दे देते हैं, और रिलीज डेट कोई दे देते हैं, ओवरव्यू इसका यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, रन टाइम
बजट इसका, रेवेन्यू इतना, और प्रॉपर्टी जो है वो वन, लैंग्वेज जो है वो कोई भी रख लेते हैं फिलहाल, और सेव। तो ये हमारा जो है क्रिएट हो चुका है। बाकी आप यहाँ पे इसकी एक एक चीज़ देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड लगा सकते हैं और बहुत कुछ, यहाँ पर पूरा यानी कि वेबसाइट आपकी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर लिस्ट, तो आप इस तरह करके इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो और अगर थोड़ी सी चीज़ें आप ट्राई करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो वेबसाइट के ऊपर किस तरह से शो होगी आपकी, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरह से करके आपकी शो होगी, यहाँ पे रेटिंग वगैरह और सारी चीज़ें, रिव्यू और कास्ट और मज़ीद आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके बाद आप अपनी वेबसाइट इस तरह करके बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।